प्रदेश की शुरुआत आज उस खबर से करते हैं जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बहुत बड़ी घटना बनने वाली है। सिर्फ 15 घंटे बाकी है और संसद में जो कुछ होने वाला है उस पर पूरे देश की निगाह। 50 महीने बाद पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। सरकार बहुमत साबित करने के लिए तैयार है और विपक्ष उसे कमजोर बताने के लिए तैयार है। खेल नंबर का है, लेकिन ये कल के बहुमत का नंबर नहीं बल्कि 2019 के लिए नंबर गेम का खेल है। 2019 की सत्ता का पत्ता। हमने अविश्वास प्रस्ताव किया है। हम प्रामाणिकता से जवाब देंगे और निर्णायक बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी तो समर्थन करेगी नो कॉन्फिडेंस। हम तैयार हैं उनका दूध पानी का पानी हो जाए। क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का एजेंडा क्षेत्रीय पार्टी से संचालित होता है? 2019 के संग्राम का शुक्रवार से श्री गणेश। 2019 के लिए संसद में चुनावी रैली। 10-15 मिनट हमारा भाषण करा दो पार्लियामेंट हाउस में, सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाए। संसद में नंबर गेम नहीं, शक्ति प्रदर्शन होगा। आज पूरा देश इस सरकार के विरुद्ध है, इनकी नीतियों के, इनकी झूठे वादों के। देखिए कल देखिए प्रतीक्षा कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर किसको कितना विश्वास? अविश्वास तो बहाना, 2019 है असली निशाना। क्या राहुल की पीएम उम्मीदवारी पर विपक्ष तैयार है? क्षेत्रीय पार्टियों से कांग्रेस की 2019 की डील फिक्स हो गई। सोनिया जी की गणित कमजोर है, वो आंकड़ा नहीं लगा पाती। क्या राहुल को मिलेगा बुआ दीदी का आशीर्वाद? शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीएम मोदी ने कोर ग्रुप के साथ रणनीति पर चर्चा की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव निर्णायक बहुमत से हम जीतेंगे। वहीं शिवसेना अविश्वास प्रस्ताव पर या तो सरकार करेगी या फिर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि इस बारे में उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला लेंगे, ये इस वक्त की देश हित में बड़ी खबर है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सोनिया के कल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को आंकड़ों का ज्ञान ही नहीं है, उनकी गणित कमजोर है। इस बीच बीजेडी सांसद विजय पांडा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस खेमे से एक और सांसद कम हो गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आपको बता दें बीजेपी को 3 घंटे 33 मिनट मिले। बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर राकेश सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 38 मिनट मिले। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बोलेंगे। AIDMK को 29 है, TMC को 27, BJD को 19, शिवसेना को 18 मिनट मिले। तो ये सारा डिटेल आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, ये आपके सामने है। देश ब्रेकिंग, कल क्या कुछ होने वाला है। AIADMK ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध का ऐलान किया है। रामदास अठावले ने कहा है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष के नहीं सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं। बीजू जनता दल मोदी सरकार के खिलाफ वोट करेगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली TDP के एक सांसद सदन में नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा है कि देश नया प्रधानमंत्री मांग रहा है। सल्तनत गॉन बट संसद में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी की ये हंसी अविश्वास प्रस्ताव के मुकाबले आत्मविश्वास के प्रस्ताव का पैगाम दे रही है। 50 महीने में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया है।
कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। 15 घंटे बाद संसद में क्या होगा? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा होगी। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष मोदी सरकार की कमियों को उजागर करेगा। मोदी सरकार 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। विपक्ष मॉब लिंचिंग, असहिष्णुता, विशेष राज्य समेत कई मुद्दे उठाएगा। इससे जो है एनडीए की ताकत और बढ़ेगी और जनता के बीच में जो है हमको अपनी बातों को ले जाने का मौका मिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उनको सेंसर करने के लिए। देश की जनता चाहती है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। हम नए प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। सवाल ये है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव को सरकार और विपक्ष ने 2019 के लिए चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की है? राहुल के पास मोदी के खिलाफ मजबूत होने का मौका। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से पीएम मोदी और मजबूत होंगे। विपक्ष 2019 के लिए महागठबंधन की एकजुटता दिखाएगा। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से एनडीए की एकजुटता दिखेगी। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव टीडीपी लाई थी और मुद्दा था विशेष राज्य की मांग, मगर सरकार और विपक्ष की तैयारियां देखकर लग रहा है कि असली मुद्दा 2019 के लिए सत्ता की रेस ही होगा। दिल्ली से रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए कल एक बार फिर बहुत बड़ा दिन होने वाला है। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी तक संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। कल संसद में क्या होगा ये हम आपको आज ही बता देते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच नंबर गेम की आड़ में 2019 के सियासी दाव चले जाएंगे। हम आपको ये दिखाते हैं कि संसद में 15 घंटे बाद अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नंबर्स के मामले में किसमें कितना है दम, यानी वोटिंग हुई तो सरकार और विपक्ष के पास कितने नंबर। एनडीए के पास 313 सांसद है, नोट कर लीजिए आप, और वही महागठबंधन के पास 131 सांसद। कुल सांसद है 500, मतलब जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 535। और बहुमत के लिए कितना चाहिए, 268। एनडीए के पास 313 सांसद है जो बहुमत से 45 ज्यादा है, जबकि महागठबंधन के पास 131 सांसद जो बहुमत से 137 कम है। एनडीए के पास 313 सांसद है और इसीलिए सरकार को खतरा नहीं। और वही महागठबंधन जिसके पास 131 सांसद है उस विपक्ष की कोशिश अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बेकार नजर आ रही। वैसे कल पूरे देश की नजर संसद में, बस संसद में रहेगी, अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा। और इसीलिए देश हित में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव वाली ये सियासत आखिरकार है क्या? एक संसदीय प्रस्ताव है दरअसल ये अविश्वास प्रस्ताव, जिसे विपक्ष संसद में केंद्र सरकार को गिराने या कमजोर साबित करने के लिए रखता। अब अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है अब ये सब, विपक्षी पार्टी को जब लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। अविश्वास प्रस्ताव कैसे मंजूर होता है? अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी के लिए कम से कम 50 लोकसभा सांसदों को की जरूरत होती है, उनके समर्थन की जरूरत होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब होती है अब ये समझ, स्पीकर की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों में सदन में चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। और अविश्वास प्रस्ताव पर फाइनल फैसला कैसे होता है? चर्चा के बाद वोटिंग होती है, बहुमत साबित करने पर सरकार को कोई खतरा नहीं रहता है, प्रस्ताव गिर जाता है। वैसे आपको याद दिला दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि संसद वो मंच है जहां अलग अलग विचार व्यक्त किए जाते हैं, जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, जहां सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। किसी को यहां रियायत नहीं मिलती, इसमें किसी को छूट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने 2 साल पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में राजीव गांधी के इस बयान का जिक्र किया था। हमें उम्मीद है कि कल सरकार और विपक्ष दोनों संसद में अपना रोल बखूबी निभाएंगे।